अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक न्यू वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे लोग कुवैत में जो है ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन जो है अपने कफील का घर छोड़ दिए हैं। मेरे मोबाइल पे कल मेरे व्हाट्सएप पे फोन आया था, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे रखा है। बहुत सारी वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया है। तो कल एक भाई साहब का मेरे पास फोन आया था, उनके अब्बू जो है कुवैत में काम कर रहे थे, ठीक है। उनके अब्बू को जो है पुलिस पकड़ ली है और ये जो है मेरे को फोन किए हैं कि लास्ट उनसे बात हुई, पुलिस पकड़ के लेके गई है, अब जेल में लेके गई है। कब उनको वहां से भेजेगी, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे परेशान है। कि जैसे कि अगर आप लोग भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भाई हैं या तो किसी के हस्बैंड है या किसी के भाई है, किसी के अब्बू हैं जो है कि कुवैत में जो है काम करते हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों को क्या है कि अगर इन लोगों को अगर काम कर रहे हैं तो अगर पुलिस पकड़ लेती है, तो इंडिया में अगर आप लोग हैं तो आप इनके हेल्प कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि अभी मेरा अब्बू कहाँ है या मेरा भाई, यानी जो भी आपका रिलेटिव वाला कुवैत में है, अगर उनको पुलिस ने पकड़ लिया तो आप इंडिया से उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि अगर हम लोग तो हमारा कोई वहां पे नहीं है तो हम जो है इंडिया में बैठ के मतलब उनके कुछ हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताया होगा कि कुवैत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो है भाग कर काम कर रहे हैं, और भाग कर काम करने का मतलब किसी न किसी दिन आपको पकड़ लिया जाएगा, किसी न किसी दिन आप पुलिस के हत्थे में आ जाओगे, या तो पुलिस आपको पकड़ लेगी या तो आपको जब घर जाना होगा तब आपको पुलिस से पकड़कर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये देखा जाए कुवैत में अगर 100% अगर देखा जाए भारतीय लोग काम करते हैं तो उसमें से मेरे ख्याल से 25% लोग जो है कि यहां पे भाग कर ही काम कर रहे हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। और जब उनको घर जाना होता है या तो फिर कहीं ऐसी जगह काम करते हैं कि चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, या तो जब घर जाना होता है तब वो पकड़ के जाते हैं। तो गाइस, ऐसे में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था और बहुत सारे लोगों का सवाल भी ये था कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं कुवैत में और भाग कर काम कर रहे हैं तो हमें घर जाना रहेगा, तो हम कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे पुलिस के यहां, और कितना टाइम लगेगा, और जेल में जब हम जाएंगे हमें जेल में लेकर जाएंगे कितना दिन रखेंगे, मोबाइल हमारा हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा। तो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, आखिरी तक देखना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि एक भाई साहब का फोन आया था, उनके अब्बू यहां पे हैं, और वो जो है कुछ ही दिन अभी हुआ है, 2-4 दिन हुआ है उनको जो है कि पुलिस ने पकड़ लिया है और उनका जो है कि बातचीत बंद है। तो उस भाई साहब ने मेरे से फोन किया कि पुलिस से पकड़ने का टाइम जो है लास्ट टाइम जो है वो शायद बात करने के लिए देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको पुलिस ने पकड़ा है, ठीक है, जैसे कि तो लास्ट टाइम वो शायद आपसे बात करने के लिए देते हैं, मतलब आपका मोबाइल रहता है। उसके बाद जो होता है आपका मोबाइल सब कुछ जितना आपके पास सामान रहता है, चाहे मोबाइल हो गया, पैसे हो गए, और भी जो कुछ रहता है, वो सारी चीजें जमा हो जाती है जेल में। एक लॉकर रहता है, उसमें आप रख दिया जाता है, आपके बदन पे सिर्फ कपड़ा रहेगा और कुछ आपके पास नहीं रहेगा। तो लास्ट टाइम में उन्होंने बात किया था, अपने घर पे बोला था कि पुलिस वाले ने पकड़ा है, तो ठीक है अब जेल से होके आएंगे। तो अब 4-5 दिन हो गया, तो वो लोग जो है कि अभी बातचीत नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा डरे हुए हैं, क्योंकि हर कोई डर जाता है यार, तो थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो इसी बारे में वो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर आप लोग इंडिया में हो, जैसे कि आपका कोई रिलेटिव हो, भाई हो, चाहे अब्बू हैं, चाहे किसी का हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी का जो है यहाँ पे कुवैत में पकड़े गए हैं जेल में, तो क्या हम इंडिया से क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी? तो आप लोग इंडिया से इतनी हेल्प कर सकते हैं, जैसे तो पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे है, ठीक है, तो उससे आप ये बोलिएगा कि वो जो है कि अपने जो है कि फोटो मंगा लीजिएगा उनका, ठीक है, पासपोर्ट का, उनका सिविल आईडी का फोटो अगर आपके पास होगा तो वो सिविल आईडी का फोटो उसको देखकर, जो आपका कुवैत में होगा रिलेटिव, उसको बोलना कि उस पे, क्योंकि उस पे कफील का नाम रहता है तो और एड्रेस भी रहता है, तो उनसे बोलना कि इस एड्रेस पे जाके और इस ये जो कफील है इससे मिल के बस इतना पता कर लें कि मतलब ये जो है कि, क्योंकि जब भी कोई वर्कर पकड़ा जाता है तो उसके कफील से कॉन्टेक्ट किया जाता है, उसको बताया जाता है किस जेल में है, कहां पे रखा गया, ठीक है। तो वो उसके कफील के पास जाके अगर पूछेगा कि मतलब कि ये मेरा जो भी है रिलेटिव है, मतलब इस टाइम पे जेल में है, तो कौन सी जेल में है, ठीक है, और वो बता देगा। अगर वो बता देगा तो फिर आपका 50-60 KD लगेगा, ठीक है, आप वहां पे जाओगे 50-60 KD जमा करोगे तो फिर थोड़ा जल्दी काम हो जाता है आपका, ठीक है। और अगर नहीं है, आपका कोई रिलेटिव यहां पे नहीं है और आप जो है कि परेशान हो, तो फिर आप इंडिया से एक ही चीज कर सकते हो कि आपको क्या करना होगा, इंडिया एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करना होगा, आप लोग इंडिया में बैठ के, ठीक है, इनका जो है सिविल आईडी का फोटो और इनका फोटो, इनका पासपोर्ट का फोटो, पूरी डिटेल्स जो है लेकर इनको जो है कि इंडिया के एम्बेसी का जो वेबसाइट होता है, जो इंडिया एम्बेसी ट्विटर पे जाएंगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहां पे सारी चीजें पोस्ट करना और डिटेल में सारी बातें लिखना, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर है उनको जो है
हैशटैग करना, मेंशन करना, और ये जब पोस्ट करोगे तो इंडिया एम्बेसी के पास जैसे ये पहुंचेगा तो हो सकता है इंडिया एम्बेसी वाले जो है कुछ इस पे एक्शन ले लें। और इंडिया एम्बेसी का कॉन्टेक्ट नंबर भी रहता है, और आप जाके इंडिया एम्बेसी में कॉन्टेक्ट करके उनको भी सारे डिटेल्स जो है बता सकते हैं। ऐसे ऐसे इंडिया में भी इंडिया एम्बेसी है, कुवैत में भी इंडिया एम्बेसी है, तो आप अगर कुवैत के इंडिया एम्बेसी में कॉल नहीं कर सकते हो तो इंडिया में ही इंडिया एम्बेसी या फॉरन मिनिस्टर्स के लेटर दे सकते हो। यही बस एक रास्ता है, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। आप दूसरे तरीके से कभी भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई भाई भाई हो या हस्बैंड हो या जो है कि आपका अबू जान है या जो भी कोई अगर यहाँ पे आपका फंसा है तो आप जो है उसकी और किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते हो इंडिया में बैठ के, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और जहां तक रही बात कि कितना टाइम लगता है और जेल में जाने के बाद मतलब कि कहाँ रखते हैं, कितना दिन टाइम लगता है और कैसे जो है कि भेजते हैं, तो गाइस टाइम देखो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया होगा कि इसमें जो है टाइम कोई कन्फर्म नहीं है। किसी किसी का टाइम जो है कि 15 दिन में लग जाता है, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना, बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया में कि 100 में से 95% लोग भाग के काम कर रहे हैं डेली ना डेली। और यहां पे जब से चेकिंग चालू हुई है, इतनी जबरदस्त यहां पे चेकिंग चालू हो गई है, पहले जैसा माहौल नहीं रह गया। अब यहां पे जो है डेली बाय डेली आप अगर न्यूज देखते होगे तो आपको डेली ना डेली कम से कम 5,000, 4,000, 800, 500, 200, 400 किसी ना किसी केस में बंदे पकड़े जा रहे हैं, हर एक कंट्री के, सिर्फ इंडिया के नहीं, हर एक कंट्री के, ठीक है। तो अब इनको जो पकड़ा जा रहा है तो ये कहां लेके जा रहे हैं? आज पकड़ते हैं, दूसरे दिन घर तो भेजते नहीं है, आज पकड़ेंगे उसको लेके जाएंगे जेल में रखेंगे, डिपोर्ट वाले सेक्शन है वहां पे रखेंगे, इनका सारा इसके बारे में सारी जांच होगी, इनके कफीलों से बात किया जाएगा, सब कुछ जब ओके हो जाता है फिर उसके बाद जो है इनका एक जो है इनका एक बैरियर बनता है, इनका एक ग्रुप बनता है, उसके बाद ग्रुप बाय ग्रुप नंबर आता है, फिर इनका टिकट किया जाता है, तब इनको भेजा जाता है। तो इसमें इस वजह से जो है बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रिलेटिव जो भी यहां पे पकड़े गए हैं या यहां पे जो भी आप लोग भी अगर काम कर रहे हो, अगर आप पकड़े गए, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है, कुछ भी इलीगल काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ भाग कर काम कर रहे थे और बाकी कोई भी गलत काम नहीं कर रहे थे यहां पे, जैसे कि इलीगल काम होता है बहुत सारा, अगर वो नहीं कर रहे थे आप लोग, तो फिर आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं होगा और ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप अपने कंट्री आराम से पहुंच जाओगे। और जितने लोग इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, इंडिया वाले आपके रिलेटिव अगर यहाँ पे कोई भी पकड़ा गया है तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने सारी चीजें बताई है आप लोग ये कर सकते हो, इस तरीके से हेल्प कर सकते हो, और आप लोग सिर्फ वेट करो, ठीक है। इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो और आपको वेट करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जो है चाहे भाई हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे अब्बू हो, अगर पकड़े गए हैं तो उनको जो है कि अगर वो किसी गलत काम में नहीं होंगे, कोई गलत काम नहीं, कोई फर्जी काम नहीं करते होंगे, तो उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। एक तरीके से बस वो जेल में समझ लो कि रेस्ट कर रहे हैं, जिस दिन उनका टाइम आएगा, उनका टिकट हो जाएगा, वो अपने कंट्री आ जाएंगे, आप लोगों के पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर वो कोई भी गलत काम नहीं करते होंगे कुवैत में, तो सिर्फ एक इतना कि वो भागकर काम कर रहे थे, किसी वजह से उनका कफिल परेशान किया था, तो ठीक है। तो यही सारी डिटेल्स है गाइस। बहुत लोगों का इस पे सवाल था क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के कंफ्यूज थे, इस बातों से कंफ्यूज थे, और जैसे कि और मेरे पास इतना ज्यादा कमेंट आ रहा था, और जब मेरे पास ये फोन आया तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे इस पे वीडियो बनाने का मैंने सोचा, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। तो गाइस इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो ताकि बहुत लोग ऐसे परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिया में हैं जो परेशान हैं, उनके जो है घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहां पे फंसे हुए हैं जेल में, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है परेशान है, तो उनके तक ये वीडियो पहुंचेगी तो कम से कम उनको थोड़ा सा राहत होगी। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।